गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में सेंटेंसेस करेंगे। तो आज हम कौन से सेंटेंसेस करेंगे? मैं हिंदी, ठीक है। आज हमें हिंदी बनानी है, इंग्लिश दी है आपको, ठीक है, और हिंदी बनानी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी, आई एम ए गुड मैन, आई एम ए गुड मैन, ठीक है। ये सेंटेंस दिया है आपको, कैसे बनाएंगे उसकी हिंदी? पहले हम लगाएंगे आई एम। आई एम की क्या होती है? मैं हूँ। तो देखिए मैं और हूँ तो आपको पता है लास्ट में आएगा, है ना? हूँ तो आपको पता है लास्ट में आता है। आई एम, मैं हूँ, तो मैं आई की मैं हो गई, एम की हूँ लास्ट में आएगी, वो तो सेंटेंस के लास्ट में। अब क्या रह गया हमारा? ए गुड मैन। तो ए गुड मैन ये साथ में आएगी, ठीक है, इसकी हिंदी साथ में लिखेंगे। ए गुड मैन, ए की एक, गुड की अच्छा, और मैन की आदमी। तो आई एम ए गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, ऐसे बनाएंगे। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट वन, दोस आर फ्रेश फ्रूट्स, दोस आर फ्रेश फ्रूट्स। अब यहाँ पर दोस आर की क्या होती है? वे हैं। दोस आर की मीनिंग वे हैं। तो आपको पता है दोस की पहले लगाएंगे वे, और हैं की लास्ट में लगाएंगे, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। दोस वे और आर की लास्ट में लगाएंगे हैं। अब क्या रह गया हमारा? फ्रेश फ्रूट्स, इसकी साथ में आएगी फ्रेश फ्रूट्स। फ्रेश क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, और फ्रूट हमारा क्या है? नाउन है। तो फ्रेश किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फ्रूट्स को। फ्रूट्स कैसे हैं? फ्रेश हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स की साथ में लगाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो ताजा फल, फ्रेश की ताजा और फ्रूट्स की फल। तो दोस आर फ्रेश फ्रूट्स, वे ताजा फल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इट इज योर फेवरेट बुक, इट इज योर फेवरेट बुक। तो देखिए इट इज की साथ में आएगी, नहीं सॉरी, साथ में बोलते हैं, ठीक है, मगर लिखते अलग हैं। तो इट की क्या आएगी? यह, और इसकी है, इट की यह इसकी है, और है आपको पता है इसकी लास्ट में आती है, मतलब है कि है लास्ट में आती है वाक्य के। ओके, तो इट इज, यह है योर फेवरेट बुक। तो योर फेवरेट बुक की साथ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो तुम्हारी, योर मीन्स तुम्हारी, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, और बुक मीन्स किताब। योर फेवरेट बुक, तुम्हारी पसंदीदा किताब। इट इज योर फेवरेट बुक, यह तुम्हारी पसंदीदा किताब है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन, वी आर फूलिश, फूलिश फार्मर्स, वी आर फूलिश फार्मर्स। वी आर की मीनिंग हम हैं, वी की हम, आर की हैं, तो है लास्ट में आएगा, और फूलिश फूलिश फार्मर्स की साथ में लगाएंगे। फुलिश की मीनिंग मोर, और फार्मर्स की किसान, ठीक है बच्चों। तो वी आर फुलिश फार्मर्स, हम मोर किसान हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, फाइव, शी इज हर डॉटर, शी इज हर डॉटर। तो शी इसकी क्या होगी? वह है, शी की वह, और इसकी है लास्ट में आएगा। शी इज, वह है हर डॉटर, हर की उसकी, हर की मीनिंग उसकी, और डॉटर मीन्स पुत्री, हर डॉटर की साथ में आएगी, तो उसकी पुत्री। शी इज हर डॉटर, वह उसकी पुत्री है, डॉटर मीन्स पुत्री, है ना, वह उसकी पुत्री है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन, ही
इज माय सन, ही इज माय सन। ही इसकी मीनिंग आएगी क्या, वह है, ही की वह, इसकी है लास्ट में आएगा, ही इज वह है, माय सन। तो माय मीन्स मेरा और सन मीन्स बेटा या पुत्र। ओके बच्चों, तो माय सन की साथ में आएगी मेरा बेटा, तो क्या बना सेंटेंस, ही इज माय सन, वह मेरा बेटा है। नेक्स्ट वन, दे आर देयर, टी एच ई आई आर, इसे देयर पढ़ते हैं, देयर। लॉयर्स, लॉयर्स, दे आर देयर लॉयर्स। दे आर की मीनिंग क्या आएगी, वे हैं, दे आर की मीनिंग वे हैं, दे की मीनिंग वे और आर की मीनिंग हैं, तो वे हैं और देयर लॉयर्स, देयर लॉयर्स की साथ में आएगी। ओके बेटा, तो उनके की, सॉरी देयर की उनके, और लॉयर्स की वकील, तो ये थोड़ी नहीं बोलेंगे आप उनका वकील, वे उनका वकील है, तो देयर की उनके हो जाएगा, उनका नहीं होगी, उनके हो जाएगा, उनके वकील। ओके बच्चों, दे आर देयर लॉयर्स, वे उनके वकील हैं। ठीक है बेटा, आपकी समझ में आए सेंटेंसेस, तो सभी बच्चों को नीट एंड क्लीन वर्क अपनी अपनी नोटबुक में करना है, और ये वाला वर्क किस में करना है आपको, 2-in-1 में, ट्रांसलेशन सब्जेक्ट में। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय।